अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हे भगवान, ऐसे रात के 3 बजा के कौन डराता है यार? कोई कॉर्टेसी नाम की चीज है या नहीं? आ जाती है भूखी दिन में 300 बार मुंह उठा के, अब फिर से पूरा फ्रिज छान के ना नटेला चाट के निकल जाएगी। देखा, अगली बार से नटेला ना मैं सब्जियों के कंपार्टमेंट में छुपाऊंगी। इसको तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई कंपार्टमेंट होता है। फ्रिज खोल के ऐसे घूरते हैं जैसे जीवन की पहेलियों के सारे जवाब यही लिखे हों। आजकल भूख और फ्रिज का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। ऐसे खोल के खड़े हो जाते हैं जैसे इनके पिताजी ने अंदर नौकर बैठा के रखा हुआ है जो इनके मुंह में पंच पकवान ठूसेगा। इतनी एक्सपेक्टेशंस तो कोई अपनी लॉटरी टिकट से भी नहीं रखता यार, जितने ये मुझसे रखते हैं। हाँ जी, आ गई अपनी गलतियां छुपाने। घर में अगर 4 लोग हैं तो पूरे मोहल्ले का खाना बनाने की क्या जरूरत है? हर रोज बचा हुआ खाना आके मेरे पास उसका फिक्स डिपॉजिट बना के रखती है, जैसे कल मैं इसके टिंडे की सब्जी की ना बिरयानी बना के लौटाऊंगी इंटरेस्ट के साथ। ओह वाओ, फिर भटकते भटकते मिस्टर कोहली आ चुके हैं। अभी मैं 100% श्योर हूँ कि ये दरवाजा खोल के भूल गए हैं कि ये क्या लेने आए थे। थैंक गॉड लॉकडाउन चल रहा है, वरना पता नहीं कितने दरवाजे खोलते खोलते कहाँ पहुँच जाते। अर्जुन, मैं क्या लेने आया था जो? देखा, ओहो क्या है? नहीं, ये ठंडा पानी भर के वापस कौन रखेगा? कोई मुझे उतना ग्रांटेड नहीं लेता जितना ये नलायक लेता है। मैं 2-2 घंटे मेहनत लगा के ना पानी ठंडा करके, और ये 1 सेकंड में पूरी बोतल ऐसे गटक लेता है जैसे पिछले जन्म में उत्तर अफ्रीका के रेगिस्तान का ऊंट था। अफ्रीका में रेगिस्तान है ना? सारा सामान टॉप शेल्फ पे रखेंगी महारानी साहिबा, ताकि बार बार झुकना ना पड़े, मतलब सारा बोझ मेरे कंधों का। थैंक गॉड ये गेम ऑफ थ्रोन्स में नहीं थी। सरसी बोलती ना बेंड द नी, ये उसके सर पे दाल का भगोना रख के निकल जाती। अर्जु, इसको क्लीन करने का टाइम आ गया है। हाउ डेयर यू, मैं बिल्कुल साफ सुथरी हूँ। अगर कुछ क्लीन करना है ना तो मेरे सर पे ये जो कचरा जमा करके रखा है ना वो क्लीन करो। कैलेंडर, क्लिप्स, पेन, कैंडल सब कुछ रखाओ। मम्मा कहाँ रखी थी बैटरीज? ये देसियों का ना अलग ही लॉजिक चलता है। फ्रिज में बैटरीज और नेल पेंट्स रखते हो तो बर्फ जमाने के लिए पानी का ट्रे शू रैक में रखा करो। घर में अलमारियां बनाते ही क्यों हो तुम लोग? तो एसी क्या सिर्फ मेहमानों को दिखाने के लिए खरीदा है? ओफो, अब कल दोबारा इन भाई बहन के झगड़े में दोनों में से कोई एक मेरा दरवाजा पटक के जाएगा। फिर से प्रारिता की चॉकलेट खा गया। प्रारिता भी ना पागल है, चॉकलेट फ्रिज में क्यों छोड़ती है? ऐसी जगह छुपानी चाहिए ना जहाँ मोंटू कभी नहीं जाएगा, जैसे बाथरूम में। मोंटू कितने साल पहले आया था बेटे, मेरे अंदर कच्ची मच्छी 4 महीनों तक भी अगर छोड़ दो ना तो भी मोंटू के सामने मैं बहारों सी महकूंगी। आधे घंटे में मेरा कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। अभी तो रख के गई थी, 5 मिनट भी नहीं हुए, जमने तो दे मेरी अम्मा। आप मुझे प्लीज अपना काम करने देंगी? ओ हो, कस्टर्ड है बेवकूफ नहीं जो 2 मिनट में बन जाएगा। ए बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर रही, खुद ही फूफू करके इस कस्टर्ड को जमा लेना। मम्मा लगता है फ्रिज खराब हो गया है, लॉकडाउन के बाद नया ले आएंगे यार। उसी दुकान से अपने लिए थोड़ी वफादारी भी खरीद लेना। आहो, ये मसाले की एक्सपायरी निकल गई है, लेकिन फ्रिज में रख देती हूँ, कुछ नहीं होगा, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं? इस लॉजिक से तो मोंटू की मार्कशीट भी रख दो मेरे अंदर, शायद पास हो जाए। फ्रिज कम मौत का कुआं ज्यादा लगती हूँ। कैसी लगी वीडियो? इससे कम प्रोडक्शन तो दुनिया में कभी कोई नहीं होगा। बाहर निकाल लेती हूँ, काफी फ्रीज हो गए होंगे। हेलो, सो दिस वाज थॉट्स जो शायद आपके फ्रिज के आते होंगे। यू नेवर नो यार, इट्स अ फ्री वर्ल्ड, हर किसी को थॉट्स आ सकते हैं और आने भी चाहिए। बाय द वे, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा लॉकडाउन बहुत सही चल रहा है, मतलब आजकल मुझे अपने फ्रिज के सोच विचार समझ में आने लग गए, बट अदर देन दैट इट्स गोइंग ग्रेट। बट हे, टेल मी इफ यू लाइक दिस वीडियो, वॉज इट रिलेटेबल, डू यू थिंक दिस कुड बी ट्रू इन सम यूनिवर्स, कॉमेंट बिलो एंड टेल मी। डोंट फॉरगेट, आई कम अप विद न्यू वीडियोस एवरी ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे। सब्सक्राइब ना किया तो कर देना यार, इट्स फ्री। आई विल सी यू अगेन ऑन Saturday, or give me love.